नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज के कुछ प्रमुख समाचार की ओर। हत्या के अभियोग में वांछित 3 अभियुक्त गिरफ्तार। यूपी के जनपद शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताते चले, बीते दिनों एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए उस घटना का खुलासा कर दिया गया, जिसमें वांछित 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक राइफल भी बरामद हुई है। उस राइफल का लाइसेंस आरोपियों के पास नहीं है। तीनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया गया है। पूरी जानकारी के लिए हम आपको ले चलते हैं अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार के पास और सुनते हैं उनका क्या कहना है। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, मुकेश सक्सेना के साथ आरएस शर्मा की रिपोर्ट। सर, थाना काट पुलिस द्वारा खुलासा किया गया है, इसमें कैसे सफलता प्राप्त हुई, क्या बरामद है, कितने अभियुक्त गिरफ्तार हैं? कांड थाना के अंतर्गत 18 तारीख को एक व्यक्ति बादशाह का गोली लगा शव उसके घर के परिसर में ही बरामद हुआ था। उसके मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। इस संदर्भ में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा किया है, जिसमें 3 लोगों के द्वारा इसकी हत्या की जाने की बात प्रकाश में आई है। मुन्ना, अंकित और पप्पू, इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। पूछताछ में मुन्ना, जो कि हिस्ट्री शीटर है, जिसमें 92 मुकदमे हैं, इसने हत्या करना स्वीकार किया है। इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर, इनके पास से एक फैक्ट्री मेड राइफल बरामद हुई है, जिनका लाइसेंस के पास नहीं है। 9 कारतूस और 1 स्कॉर्पियो भी बरामद हुई है, जो घटनास्थल पे आई भी बताई, जिसमें ये लोग आए थे। बात ये प्रकाश में आई है कि जो व्यक्ति मृतक है बादशाह, मानसिक रूप से अस्वस्थ था। किसी बात को लेकर इन तीनों व्यक्तियों से कहा सुनी, जिससे नाराज होकर इन लोगों ने उसको गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हो गई थी। इन तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद और इनके असलहों की बरामदगी के बाद और घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो बरामद करने के बाद आवश्यक पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए स्टार 7 टीवी न्यूज़।